यो, क्या बोलती पब्लिक, साउंड वेव प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिवाइस की जो हर म्यूजिशियन के लिए गेम चेंजर हो सकता है, MIDI कीबोर्ड। देखो, स्टूडियो में क्रिएटिविटी का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है और MIDI कीबोर्ड आपको वो फ्रीडम देता है। इमेजिन करो, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी आप अपने कंप्यूटर पे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हो, और वो भी बिल्कुल रियल जैसे। तो आज हम जानेंगे कि MIDI कीबोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप अपने लिए बेस्ट MIDI कीबोर्ड चूज कर सकते हो। लेट्स गो। सबसे पहले बात कीज की। MIDI कीबोर्ड्स अलग अलग साइज में आते हैं, 25, 29, 61 या 80 कीज, बिल्कुल एक रियल पियानो की तरह। ये डिपेंड करता है आपके काम और जगह पे। बिगिनर हो तो 25 या 29 कीज, प्रोफेशनल हो तो 61 या 80 कीज। MIDI कीबोर्ड चूज करते वक्त एक और इंपॉर्टेंट चीज है, टच सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि आप जितना जोर से की प्रेस करोगे उतना ही लाउड साउंड आएगा। कुछ कीबोर्ड्स में वेलोसिटी सेंसिटिविटी होती है, मतलब आप अपने खेलने के स्टाइल को और भी कंट्रोल कर सकते हो। आप सॉफ्टली प्ले करके सॉफ्ट साउंड निकाल सकते हो या फिर जोर से बजा के धमाकेदार साउंड। तो अपने लिए कीबोर्ड चूज करते वक्त चेक कर लेना कि उसमें वेलोसिटी सेंसिटिविटी है या नहीं। ट्रस्ट मी, ये फीचर आपके म्यूजिक में जान डाल देगा। अब बात करते हैं नॉब्स, स्लाइडर्स और पैड्स की। ये आपके MIDI कीबोर्ड को पावरफुल बनाते हैं और कंट्रोल देते हैं। नॉब्स और स्लाइडर्स से आप रियल टाइम में एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। पैड्स होते हैं पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए। कुछ कीबोर्ड्स में टच सेंसिटिव पैड्स भी होते हैं। चैप्टर 4, कनेक्शंस। MIDI कीबोर्ड खरीदने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि उसमें सही पोर्ट्स हैं या नहीं। आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट चाहिए होगा। अगर आप अपने कीबोर्ड को किसी और हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि सिंथेसाइजर या ड्रम मशीन, तो आपको MIDI आउटपुट पोर्ट भी चाहिए होगा। तो कीबोर्ड खरीदने से पहले अपने रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेना और देख लेना कि उसमें सही पोर्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं। चैप्टर 5, पोर्टेबल या स्टेशनरी। अगर आप अपने कीबोर्ड को घर में ही यूज करने वाले हो तो साइज और वेट इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको अपने कीबोर्ड को साथ लेके ट्रैवल करना पड़ता है तो आपको पोर्टेबल कीबोर्ड चूज करना चाहिए। 25 कीज वाला कीबोर्ड सबसे ज्यादा पोर्टेबल होता है और आसानी से बैकपैक में फिट हो जाता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा कीज चाहिए तो आप लाइटवेट 49 कीज वाला कीबोर्ड भी चूज कर सकते हो। याद रखो, पोर्टेबिलिटी के चक्कर में फीचर्स कॉम्प्रोमाइज मत करना। चैप्टर 6, बजट, पैसे की बात। MIDI कीबोर्ड्स अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं, कुछ सस्ता और कुछ महंगा। आपको अपने बजट के हिसाब से कीबोर्ड चूज करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप 5000 रुपए वाला बेसिक कीबोर्ड ले सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल म्यूजिशियन हो और ज्यादा फीचर्स चाहिए तो आपको 2000 रुपए या उससे ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। याद रखो, ज्यादा महंगा कीबोर्ड मतलब ज्यादा फीचर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सस्ता कीबोर्ड खराब होता है। चैप्टर 7, ब्रांड वैल्यू, बनाओ अपना ब्रांड। मार्केट में अनेक ब्रांड्स के MIDI कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आकाई, नोवेशन, एम ऑडियो और आर्टूरिया। ये सभी रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं और अच्छी क्वालिटी के कीबोर्ड्स बनाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ब्रांड चूज करना है, तो आप ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ सकते हो या फिर किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हो। एक बार फिर से याद दिला दूं, कीबोर्ड चूज करते वक्त अपने रिक्वायरमेंट्स और बजट का ख्याल रखें। चैप्टर 8, सॉफ्टवेयर का क्या सीन है। कुछ MIDI कीबोर्ड्स के साथ फ्री सॉफ्टवेयर भी आता है, जिससे आप अपने म्यूजिक को रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, खासकर अगर आप बिगिनर हो। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई और म्यूजिक सॉफ्टवेयर है, तो आपको फ्री सॉफ्टवेयर की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये चेक कर लेना कि आपका कीबोर्ड आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है या नहीं। उत्तरों तो ये था MIDI कीबोर्ड का फंडा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो MIDI कीबोर्ड्स के बारे में।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अब आप MIDI कीबोर्ड खरीदने में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। याद रखो, MIDI कीबोर्ड एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को नई हाइट्स पे ले जा सकते हो। तो जाओ, अपने लिए एक MIDI कीबोर्ड खरीदो और अपने म्यूजिक का जादू बिखेरो।